तो आज का ये टॉपिक है कि जैसे कि ब्लॉक वगैरह शूट करते हैं तो उसके बाद एडिट करते हैं, तो उसमें से बीच वाले पार्ट को मतलब कि थंबनेल के लिए निकालना होता है। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का ये टॉपिक है कि जैसे कि ब्लॉक वगैरह शूट करते हैं तो उसके बाद एडिट करते हैं, तो उसमें से बीच वाले पार्ट को मतलब कि थंबनेल के लिए निकालना हो तो ऐसे तो जैसे वैसे निकाल सकते, स्क्रीनशॉट भी ले सकते, और उसमें फट जाते हैं तो काइन मास्टर से उस फोटो को अच्छे से कैसे मतलब कि फोटो में कन्वर्ट करें, जो भी हो वो वीडियो को तो कुछ नहीं होगा पर कन्वर्ट करने के लिए स्क्रीनशॉट ही मान लेते हैं, तो उसको थंबनेल कैसे बनाए। आज का टॉपिक है कि काइन मास्टर से वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाए। तो चलो गाइस लेट्स गो। और मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलो गाइस तो मैं फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और उसको वीडियो का थंबनेल लेने के लिए अपन चलेंगे काइन मास्टर पर। काइन मास्टर पर क्लिक करेंगे, जैसे कि ये काइन मास्टर दिख रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ इस पे जहाँ पे ऊपर एरो दिख रहा होगा वहीं पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे करेंगे सेल 16.9 रेशियो पे क्लिक करेंगे, और ये वाला के इंस्टाग्राम के लिए दो ना, ये यूट्यूब की वीडियो के लिए ये वगैरह वगैरह पूरा जानकारी चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर देना, तो डिटेल में बताऊँ बता दूँगा। तो नीचे इस पर क्लिक करने के बाद सोलार इसी पर क्लिक करने के यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे, जहाँ पे कि नीचे आपको एरो दिख रहा होगा। यहाँ पर करने के बाद स्क्रीन खुल गई है बड़ी। तो किस वीडियो का थंब लेना चाहते हो थंबनेल, जैसे कि मैं कैमरा में तो नहीं, मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के लिए ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे कट करेंगे। कट करने के बाद चला के देख लेते हैं। थोड़ी सी आवाज में कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वीडियो को एडिट वगैरह करने के बाद जहाँ पे भी आपको अच्छा पार्ट लगे वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ये गई अच्छा पार्ट लग रहा है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक आपको एरो दिखेगा, यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पे चौथे नंबर पे एक एरो दिख रहा होगा, मोबाइल जैसा कुछ यहाँ पे, जहाँ पे कि मैं निशान लगा रखा होगा वहाँ पर। तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, मैं निशान लगा दिया हूँ यहाँ पर। फिर यहाँ पे कैप्चर और सेव लिखा हुआ तो इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ पे कि मैं आपको बता देता हूँ एरो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे आ रखा है यहाँ पर। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैं भी यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने पर के बाद यहाँ पर क्लियर टाइम ही हुआ पे लिखा हुआ गया तो यहाँ पर ले लिया होगा कैप्चर, तो मैं आपको जाके बता देता हूँ। गैलरी में जाएंगे अपन, यहाँ से गैलरी खुल रही है तो ये रहा है, ये आ गया वो फोटो जो ना अपन ने लिया था थंबनेल के लिए। यहाँ पे साइड में ब्लैक क्यों आ रहा है गाइस की अपन ने क्या, ये था इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शॉर्ट वीडियो के लिए था, इसलिए यहाँ पर ये ऐसा आ गया जैसे कि देख रहे हैं, ये ऐसा इसलिए आ गया गाइस। तो यहाँ पे अपन ने जिस हिसाब से करना चाहते हो इस हिसाब से मैं क्या 16 पॉइंट कर लिया था, तो यहाँ पे 1.1 करना था। तो अभी चलो और एक चीज़ बता देता हूँ आपको मैं, यहाँ पर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो मुझे कर देना, जैसे कि ये बैक वगैरह जो भी सेटिंग वगैरह जानना हो तो कमेंट कर देना, मैं जरूर। गाइस मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बता रही हूँ, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा जरूर से, और या फिर वीडियो ही बना के बता दूँ। तो अगर वीडियो को एडिट कैसे करते हैं, जैसे कि स्लोमो कैसे डाले, म्यूजिक कैसे जोड़े, और टाइम लैप्स की मतलब कि एडिट कैसे करें वगैरह वगैरह, जो कि आप समझ गए, जो भी जानना हो कमेंट कर दो, आपको डिटेल में जो भी, जैसे कि स्लोमो हो गया
उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो ही आएगा, जैसे कि पूरे मिक्स करके नहीं बताऊंगा तो पूरे एक डेडिकेट वीडियो ही बनाऊंगा, जिससे कि गाइस कट करने वाला एक डेडिकेट वीडियो आएगा और जैसे कि स्लोमो वाला एक डेडिकेट वीडियो आएगा वगैरह वगैरह। तो आप समझ गए होंगे, कमेंट कर देना, जो नहीं जानते हो डिटेल में बना दूंगा जो भी जानना चाहते हो तो आप। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, जैसे कि नया वीडियो आएगा तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। और मिलते हैं अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तो जय हिंद वंदे मातरम।